IGNCA जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सालों से हमारे पुरानी मतलब हमारी धरोहर को, हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व कर रही है, उसके लिए आर्काइव निकाल रही है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कर रही है बहुत सालों से। तो ये जो एग्जीबिशन है ये उसी का एक नमूना है। इस एग्जीबिशन के अंदर देश के कोने कोने में जहाँ जहाँ IGNCA ने अपने डॉक्यूमेंटेशन किए हैं रॉक आर्ट में, उसको अच्छी तरह से डिस्प्ले किया है और उसी के बारे में बात बताई गई है। रॉक आर्ट जिससे आप समझते हो वैसी आर्ट, वो आर्ट जिसको चट्टानों पर पुराने इंसानों के साथ मतलब आदि मानव के द्वारा बनाया गया है, उसे रॉक आर्ट कहा जाता है। इसमें दो तरीके की आर्ट होती है, एक तो पिक्टोग्राफ और पेट्रोग्राफ। पिक्टोग्राफ जो होती है वो सीधे पेंटिंग से की जाती है और पेट्रोग्राफ जो होती है उसे स्क्रैचिंग से किया जाता है। हमने इस एग्जीबिशन में 5 जोन बनाए हैं, जिसमें मध्य जोन जिसमें भीमबेट का सबसे महत्वपूर्ण रॉक केव साइट है हमारी, उसके बाद पश्चिमी भारत जहाँ राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आप देख सकते हैं पिंक कलर में, उत्तरी भारत में आप जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, ये मुख्य साइट है। मिर्जापुर वो पहली साइट है जहाँ पे दुनिया में विश्व में सबसे पहले रॉक आर्ट या शैल आर्ट सबसे पहले खोजी गई थी। तो भारत वो देश है जिसे श्रेय जाता है दुनिया को ये बताने का कि शैल चित्रकला या शैल कला क्या चीज होती है। साउथ दक्षिणी भारत में आप जगह देख सकते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, जहाँ पे कि बोल्डर एक बड़ी चट्टानों को बोला जाता है, जहाँ पे शैल कला हमने आदि मानव ने किस तरीके से बनाई है। और जो मेगालिथ एक तरीके के मकबरे कहते हैं, आदि मानव ने अपने पूर्वजों को जहाँ पे गाड़ा उसके ऊपर उसने उनके मकबरे बनाए जिसपे उन्होंने चित्रकला या पेट्रोग्लिफ किया है। ये हमारे मुख्य जोन है और झारखंड, उड़ीसा और बिहार ये हमारे पूर्वी जोन में आते हैं, जहाँ पे झारखंड में मेनली जो चित्रकला है डेकोरेटिव मोटिव्स हैं, जहाँ पे शिकार के दृश्य ज़्यादातर नहीं मिलते। तो ये हमारे 5 मुख्य जोन है जहाँ पे शैल कला विभाजित की गई है। हमारे पास 6ठा जोन भी है जो कि नॉर्थ ईस्ट का है, लेकिन वहाँ से IGNCA ने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है शैल कला पे, इसलिए हम इस एग्जीबिशन में उसको प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा पैनल है जो मध्य प्रदेश के कटौतिया जगह से लिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिकार आदि मानव ने किस तरीके से प्रारंभ किया। छोटे जानवरों को मारने के लिए वो प्राय 1 या 2 के समूह में जाते थे, लेकिन जब जानवर बड़ा होता था तो वो एक बड़े समूह में शिकार करने के लिए जाते थे। इस समूह की भावना ने धीरे धीरे परिवारों को जन्म दिया, एक समूह को जन्म दिया, समूह से परिवार, परिवार से कबीले और कबीले से धीरे धीरे उन्होंने अपने ग्राम बसाने चालू किए। तो ये आदि मानव की एक विकास प्रक्रिया को भी दर्शाता है। ये एक चित्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि विकास के विभिन्न चरण आदि मानव के, आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने हथियारों का इस्तेमाल करना सीखा, पत्थर के हथियार, मेटल के हथियार और जानवर को किस तरीके से मारा। सबसे जानवर के आगे आप देख सकते हैं सबसे प्रमुख योद्धा होता था जो कि एक बड़ा सा स्टांस लिए हुए खड़ा हुआ है भाला लेके। तो ये आप देख सकते हैं शिकार के दृश्य आदि मानव के सबसे महत्वपूर्ण दृश्य हैं क्योंकि उसका पेट पालने के लिए शिकार पर निर्भर रहना पड़ता था। आदि मानव अपर पेलियोलिथिक एज जो कि हम कहते हैं कि अपर पाषाण काल में, इन लोगों के पास खेती करना नहीं जानते थे, इनके पास कोई औजार नहीं थे खेती के लिए, ये मुख्यतः शिकार पर निर्भर रहते थे। तो ये उनकी सामाजिक व्यवस्था को भी दर्शाता है। ये जो पैनल है ये भी एक हंटिंग सीन से इंस्पायर्ड है, लेकिन इस पैनल की खास बात यह है कि इसमें जो जानवर दिखाया गया है वो राइनोसोरस है। राइनोसोरस जो अब से बहुत बरसों पहले सेंट्रल इंडिया में हुआ करता था, ये उसी चीज का एविडेंस है, ठीक है, जो इसका एविडेंस है। और ये पैनल इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अगेन हंटिंग सीन आदि मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ करती थी क्योंकि उनका सर्वाइवल इन्हीं के ऊपर निर्भर हुआ करता था। अब हम जिस जगह पर खड़े हैं वो है थीमेटिक जोन, जहाँ पर थीम बेस्ड एग्जीबिशन दिखाया जा रहा है। इस एग्जीबिशन का जो मेन पॉइंट है, व्यू पॉइंट, वो इसी थीमेटिक जोन से ही नज़र आता है, जिसमें आप देख सकते हो क्यूरेटर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आदि मानव ज़्यादातर अपने कला को परिणाम दिया करता था, वो किस तरीके से अपनी कला प्रदर्शित करता था गुफाओं के अंदर। ये ऐसा अज्यूम किया जाता है कि आदि मानव इतनी ऊंचाई पर इसी तरीके से खड़े होकर कम रोशनी के होते हुए भी अपनी आसपास की चीज़ों को किस तरीके से बनाया करता था। इस पैनल में जो पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं वो सारे स्टेट्स में से एक एक मेन पेंटिंग को
यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, ये बताने के लिए कि अंदर जो एग्जीबिशन लगा हुआ है वहाँ जो पर्टिकुलर जो एक एक स्टेट है उसके अंदर रॉक आर्ट किस किस तरीके की मिलती थी। तो इसमें पेट्रोग्राफ और पिक्टोग्राफ दोनों के एग्जाम्पल्स नज़र आते हैं। पेट्रोग्लिफ जो होते हैं वो खुरेज कर बनाया जाता है, जैसा कि जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के रॉक आर्ट में दिखाया जाता है, और पिक्टोग्राफ वो होता है जो मिनरल कलर्स के यूज से बनाया जाता है, जो ज़्यादातर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में आप फिर देख सकते हैं हाथी का शिकार एक अंकल है, रायसेना जिले से लिया गया है, या फिर हाथी को किस तरीके से खदेड़ के वो मार रहे हैं, एक छोटा बच्चा भी देख सकते हैं, छोटा हाथी आसान शिकार होता है, तो जंगली आदि माला उसको किस तरीके से मार रहा है, किस तरीके से उसने हारपून और भाले हाथी के शरीर में गाड़ रखे हैं। उसके अलावा जो बैल के जो शरीर में छोटी छोटी सी जो लाइनों से जो डेकोरेशन की गई है वो भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विशेषता है। अब हम जहाँ है वो जगह है इस एग्जीबिशन का सबसे पहला जोन, जिसके अंदर सेंट्रल इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है। सेंट्रल इंडिया में दो स्टेट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो जहाँ पर रॉक आर्ट का सबसे ज़्यादा बड़ा खजाना और सबसे ज़्यादा पुरानी केव्स मिलती हैं, जिन्हें भीमबेटका केव के नाम से जाना जाता है, उन्हीं में से एक सबसे इम्पोर्टेंट पैनल जो सबसे सामने सबसे बड़ा चित्रित है वो जिसमें जिसके अंदर बैटल सीन को रिप्रेजेंट किया गया है वो इसमें दिखाया गया है, और इसमें प्राकृतिक रंगों का किस तरीके से इस्तेमाल दिखाया गया है और इस तरीके के बैटल सीन को किस तरीके से चित्रांकित किया गया है ये इस पैनल से अच्छी तरीके से समझ में आता है। और इस पैनल के अंदर सफ़ेद और लाल अर्थी कलर को अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। इस जोन की सबसे इम्पॉर्टेंट पिक्चर जो है वो ये है, जिसमें ऑस्ट्रिच को दिखाया गया है। ऑस्ट्रिच जो कभी सेंट्रल इंडिया में हुआ करता था, ये इसी चीज़ का एविडेंस है। ऑस्ट्रिच सेंट्रल अब इंडिया में नहीं मिलता है, वो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, लेकिन इस पिक्चर के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कभी सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश जैसी जगह पर ऑस्ट्रिच जैसा बड़ा पक्षी हुआ करता था। और इसी के जस्ट नीचे जो पैनल है, इसमें हम अभी तक हमने जितनी भी पेंटिंग्स देखी उसमें हमने देखा कि हंटिंग सीन्स ज़्यादा हैं, और उस हंटिंग सीन्स में इंसान जो है, आदिमानव जो है, वो जानवरों के पीछे है, लेकिन ये पहली एकमात्र ऐसी पेंटिंग है जिसमें जानवर जो है वो इंसान के पीछे भाग रहा है। इस पैनल में आप जो देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये बहुत ही बड़े जंगली भैंसे की है, और इस तस्वीर की सबसे खास बात ये है कि ये अब तक की सबसे बड़ी और लंबी रॉक आर्ट में से एक है। इसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, और अब तक कहीं भी इतनी बड़ी इतनी लंबी रॉक आर्ट के एविडेंसेस और कहीं पर नहीं मिले हैं सिवाय मध्य प्रदेश के। इस पर्टिकुलर पैनल में आप देख सकते हो कि जो बीच में जो पेंटिंग है, सॉरी बीच में जो फोटोग्राफ है वो जो दिखा रही है वो एक सैनिक को घायल दिखा रही है, और उस घायल सैनिक को कोई ठीक करने के लिए आ रहा है ऐसा एज्यूम किया जाता है, और वो जो ठीक करने आ रहा है वो एक शमन है। शमन जो उस वक्त के लोगों के लिए हीलर का काम किया करते थे, वो लोग हुआ करते थे जो एक नॉर्मल इंसान जैसे नहीं होते थे, लेकिन भगवान से उनका एक कनेक्शन हुआ करता था, और वो एक नॉर्मल इंसान को एक उसके भगवान से मिलाने की मदद किया करते थे। तो इस पेंटिंग में यही दिखाया गया है कि एक शमन जिसके हाथ में बहुत बड़ा डंडा है, दूसरे हाथ में एक बहुत बड़ा ढाल है, और उसके सिर पर एक बहुत ही क्रीड बुकुट जैसी कोई ज्वेलरी रखी हुई है, जिससे पता चलता है कि वो और एक नॉर्मल इंसान से एकदम डिफरेंट इंसान है। इससे ये पता चलता है कि आदि मानव जो थे वो भी भगवान और शैतान जैसी चीज़ों पर यकीन किया करते थे। इस पैनल में आप देख रहे हैं बहुत सारी मानव आकृतियाँ जो नृत्य मुद्रा में हैं। नृत्य मुद्रा में होने के साथ साथ इनकी जो शेप है वो एस टाइप की है, मतलब जो अभी तक हमने जितनी भी पेंटिंग देखी थी मध्य प्रदेश में वो सब सीधी स्टिक ड्राइंग्स की तरह थी, लेकिन ये स्टिक ड्राइंग्स है लेकिन एस शेप के अंदर है। और इस पैनल की सबसे खास बात ये है कि इसमें जो जिस रंग का इस्तेमाल हुआ है वो है ग्रीन कलर, जो सबसे पहले मध्य प्रदेश की भीमबेटका केव्स में यूज हुआ करता था।